कनाडा में जो लेक्स होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं जैसे कि कोई समंदर हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ब्रॉड व्यू। तो अभी मैं आया हुआ था इधर लेक शोर पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेक ओंटेरियो है और ये इतनी बड़ी लेक है कि जैसे कोई समंदर होता है। और ये फ्रेश वाटर लेक है, कनाडा वैसे ही फेमस है फ्रेश वाटर लेक्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग अपनी शिप्स वगैरह ले ओए शिप नहीं बोट कि आज निकले हुए हैं। संडे का दिन है, वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं इसको। और ये आप देख सकते हैं कि ये किसी का घर है जिसकी बैक साइड जो है वो लेक पे लगती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं इधर। तो ये काफ़ी पीसफुल एरिया, तो मैं आपको कुछ जूम इन करके दिखाता हूँ जो लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये एक बंदा लेक में ये सीडू लेके निकला। ए डड्डू की होता है, डड्डू नहीं सीडू। वह काफ़ी इंजॉय कर रहा है। तो लोग इस तरह इधर इस तरह की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये अब मैं लेक शोर से वापस जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इधर कनाडा में जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो भी दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं कि ये नए घर हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के घर हैं इधर। वैसे कनाडा में ये बात अच्छी है कि इधर घरों के जो साइज़ होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं। इंग्लैंड में, इंग्लैंड गई नहीं थे एविंग जी मैं गया हूँ, ज़रा वो स्पेस भी कम है इसकी वजह से काफ़ी ज़रा कंजस्टेड होते हैं। बट कनाडा में घरों के साइज़ बहुत अच्छे हैं और जितनी आपकी फिर परचेजिंग पावर हो उसके हिसाब से जितने आप पैसे पे करें उतना ही फिर आपको ज़बरदस्त घर भी मिलेगा। तो ये जो है ये घरों का बैक व्यू है, तो मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। तो वो जो मैं पहले आपको घरों की बैक दिखा रहा था, मैं कहा आपको फ्रंट से भी वो घर दिखा देता हूँ। आज इधर कनाडा में वेदर बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह फील हो रहा है, पसीना भी उसी तरह ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इधर लोगों के घर